वहीं रामनगर में सिंचाई विभाग की जमीन और नहरों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारी पूरी तरीके से मुस्तैद हो गए हैं। विभाग के अभिशासी अभियंता तरुण बंसल के नेतृत्व में विभागीय टीम और पुलिस ने संयुक्त रूप से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के साथ उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की है। अधिशासी अभियंता तरुण बंसल ने बताया है कि हल्द्वानी प्राइवेट बस अड्डे के समीप सिंचाई नहर पर मिट्टी डालकर उनके ऊपर दुकान का संचालन किया जा रहा है, जिस पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ये हमारी रामनगर नहर के चैनेज 180 पे कई दिनों से कि खोखा नाई ने अपना लगा लिया था। इसको 4-5 दिन पहले टाइम दिया था, 2 दिन का। तो आज मैंने औचक निरीक्षण करा, कहीं से संज्ञान में आया कि ये खोखा नहीं हटा है। उसके बाद मैंने पुलिस बल को बुला के, अपनी पूरी टीम बुला के इसको हटाने की कार्रवाई कर दी है।